स्वरूप दर्शन भाग 22 सतगुरु मिलन प्रणाम तुझे परमहंस दयाल मोरी पल पल छिन छिन करे संभाल प्रणाम तुझे परमहंस दयाल आनंदपुरी अद्वैत स्वरूपा आन मिले निज आत्म रूपा कर दर्श परस झट छू मानुष तन धर कलु में आयो सतनाम को आ प्रगटायो मोरे कष्ट हरे सब दीन दयाल जीव कलू के देख दुखारी संकट नाशक आन पधारे दिया सार शब्द धुन सूरत ताल दासन दास शरण प्रभु तोरी लाज राखो कृपा निधि मोरी राखो चरण शरण तुम हो कृपाल प्रणाम महापुरुषों का मिलन दुर्लभ यदि वे मिल भी जाएं तो यह जानना कठिन है कि वे महापुरुष हैं या नहीं। यदि वे मिल जाएं और पहचान भी लिए जाएं तो उनका क्षण भर का संग भी अमोघ अर्थात व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ऐसे महापुरुष भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। महापुरुष का प्राप्त होना भगवान का प्राप्त हो जाना है। ये विचार नारद भक्ति सूत्र में व्यक्त किए गए हैं। गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत होता है। अन्य संसारिक संबंध तो एक जीवन में ही पूर्ण रूप से नहीं चलते तो परलोक की बात ही क्या। गुरु शब्द का अर्थ भी यही है कि जिस महापुरुष की कृपा से अज्ञान अंध जीव को ज्ञान नेत्र प्राप्त होकर जन्म मरण के चक्कर से निस्तार हो जाए वही गुरु है।
अर्थ वेद के एक मंत्र में यह विचार प्रकट किया गया है कि शिष्य को अविद्या के पाश से मुक्त करने एवं अनेक प्रकार के दुख बार से बचाने के लिए भगवान गुरु विग्रह धारण करते हैं, अर्थात गुरु के शरीर में अपनी दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं। शास्त्र में गुरु केंद्र में भगवत शक्ति के आरवी भाव को ही आविष्कार माना गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।